हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड में। जैसा कि मैं UPSC इंटरव्यू के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमें कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डारेंडॉफ, लुइस कोजर, रेंडॉल कॉलिंग्स के संघर्ष सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में अध्ययन करना है। और ये जो अभी ये वर्तमान या प्रेजेंट में जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये सिर्फ अभी कार्ल मार्क्स से संबंधित है, और इसके रिमेनिंग जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालूँगा। तो देखते हैं कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स रहे हैं 1818 से 1883 के बीच, और जो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत जो है उसको क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष भी कहा जाता है, क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष। तो कार्ल मार्क्स ने जो है सामाजिक, इसको इसलिए सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसमें मेन आदमी है, उसमें मेन उन्होंने आदमी को मुख्य माना है, समाज को नहीं। आदमी की महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसके लिए संघर्ष सिद्धांत और कुछ न होकर आदमी की मुक्ति का एक एजेंडा है या योजना है। उनका संघर्ष सिद्धांत इस पे आधारित है कि एक व्यक्ति जो है कैसे एकदम मुक्त होकर जिए, निश्चिंत होकर जिए समाज में, यही मेन एजेंडा है, यही योजना है उनकी। तो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत समझने के पहले हमें उस समाज की आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार समझना होगा, वो भी किसके, कार्ल मार्क्स के अनुसार। क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है वो आर्थिक आधार पर ही डिपेंडेंट है, आर्थिक आधार पर ही आधारित है। जैसे हीगल का वैचारिक आधार है, क्या है ना, कि जो समाज के जैसे विचार होंगे उसी तरीके का समाज होगा, उसी तरीके का सामाजिक विकास होगा। लेकिन मार्क्स ने कहा है कि समाज में जैसे आर्थिक संरचना होगी उसी तरीके का समाज होगा। तो देखते हैं उसको, समाज की आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा है कि जो समाज में जो जो उत्पादन पद्धतियाँ हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको दो सब डिविजन्स उन्होंने किए हैं, क्या क्या, उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध, इसमें बांटा है उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध में। तो यह है क्या, उत्पादन पद्धतियाँ, मतलब उनका कहना है कि समाज में आर्थिक शक्ति या आर्थिक विकास कहाँ से आएगा, इन्हीं से आएगा, उत्पादन शक्तियों से, उत्पादन संबंध से, उत्पादन पद्धतियों से। तो मेन जो उत्पादन पद्धतियों पे जिसका अधिकार है या जिसका स्वामित्व है, वही समाज में और अमीर होता जाएगा, उसका आर्थिक विकास होता जाएगा, और जिनके पास नहीं है वो गरीब होते जाएंगे। और दो, इससे क्या होगा, समाज में आर्थिक असमानता आएगी और अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। जो वर्ग बन जाएंगे तो वर्ग, वो वर्ग तब तक वर्ग ही रहेंगे अगर उनमें वर्ग चेतना नहीं है, तो उनको वर्ग नहीं कहेंगे। अगर कोई गरीब है तो गरीब ऐसे ही बना रहेगा, अगर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, पारस्परिक रूप से एक दूसरे से मिलते जानते नहीं है, तो कैसे वर्ग बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले उसमें वर्ग चेतना आए, वर्ग संबंध बने, है ना, वर्ग निर्माण हो, और फिर उसके बाद वर्ग निर्माण होने के बाद में, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी है, वर्ग निर्माण हो जाएगा, वर्ग चेतना आएगी, तभी तो वर्ग का संगठन होगा और फिर वर्ग संघर्ष होगा लास्ट में। तो ये पूरा टोटल थ्योरी है संक्षेप में, कि आर्थिक आधार पे जो वर्ग बनेंगे वो वर्ग तब कहलाएंगे जब उनमें वर्ग चेतना आ जाए, है ना, वर्ग का गठन, वर्ग संगठन होगा, फिर वर्ग में चेतना आए, जब वर्ग चेतना आ जाएगी तो सामाजिक संघर्ष होगा। तो टोटल मिला के यही है मार्क्स का
संघर्ष सिद्धांत, तो उसको देखते हैं। तो देखिए उत्पादन पद्धतियों को दो सब डिविजन्स में बांटा है, उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध। तो उत्पादन शक्तियाँ में क्या हैं, जो उत्पादन शक्तियाँ हैं वो तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी जो भी है वो उत्पादन शक्तियाँ हैं, और उत्पादन संबंध क्या हैं, जो सामाजिक संबंध हैं उत्पादनकर्ता और समाज के बीच में, जो सामाजिक संबंध यानी कि आदमी का आदमी के साथ कैसा संबंध है ये, या तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी को कह सकते हैं उत्पादन शक्तियों का आदमी की प्रकृति के साथ संबंध। तो यहाँ पे मार्क्स ने यह भी कहा है कि किस तरीके की उत्पादन शक्तियाँ हैं उसी हिसाब से आदमी की प्रकृति भी डिसाइड करती है ना, उसी हिसाब से प्रकृति डिसाइड करती है। इसी आधार पर उन्होंने एशियाई समाज, सामंतवादी समाज, प्राचीन समाज, इन सब में समाज को विभाजित किया है कि उस समय जैसी आर्थिक क्रियाएं थी, तकनीकी थी, उसी हिसाब के समाज थे। तो आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष में। तो वर्ग संघर्ष में क्लास, जो इनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल है मार्क्स का, उसको समझने से पहले ये हमें आर्थिक आधार उसकी बुनियादी आधार समझना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप जितने मार्क्स का है उस हिसाब से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, कुल मिला के ये सब कुछ लिख सकते हैं उनके वर्ग संघर्ष में। वर्ग और संघर्ष का आर्थिक आधार, तो वर्ग और संघर्ष का आर्थिक आधार, तो इसके लिए जो है मार्क्स व एंजल्स ने अपनी प्रारंभिक घोषणा में इस प्रकार कहा जो आज दुनिया भर में लोकप्रिय है। तो मार्क्स और एंजल्स ने क्या कहा था, मार्क्स और एंजल्स ने, अब तक अस्तित्व रखने वाले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब जो अभी तक जो अस्तित्व रख रहे हैं समाज, उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब अभी तक सभी समाज जो रहे हैं उनमें वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो वर्ग और संघर्ष का आर्थिक आधार है। आगे क्या लिखते हैं वो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के विश्लेषण हमें तीन प्रस्ताव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। जो उनका कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था मार्क्स और एंजल्स ने जो बनाया था, उसमें पहला प्रस्ताव क्या है, एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोग एक समूह की तरह कार्य करते हैं। पहला प्रस्ताव था एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले एक समूह जैसा कार्य करते हैं। दूसरा क्या है, समाज में आर्थिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक वर्ग, उन्होंने आर्थिक को ही मेन बताया है संघर्ष का कारण, आर्थिक असमानता को ही बताया। तो आर्थिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। इन वर्गों का इतिहास वस्तुतः मानक समाज का इतिहास है। जो आर्थिक वर्ग से संबंधित इतिहास है उसी इतिहास मानक इतिहास है। तो इनका मतलब है कि अभी तक जो भी इतिहास होता आया है वो आर्थिक अवलंब ही उसका रहा है, आर्थिक सहारा ही उसी के आधार पर रहा है। जो उत्पादन विधियाँ रही हैं उसी हिसाब से समाज भी बदलता रहा है। जैसे प्राचीन समय में लड़ाई लड़ने के साधन क्या थे, बहुत प्राचीन आदिम समाज में पत्थर यही सब थे। फिर धीरे धीरे समाज बदला, आर्थिक उत्पादन बदला, तो उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन की टेक्निक्स बदल गई। तलवार आ गया, तोप आ गई, है ना, गोले आ गए, तो उस हिसाब से लड़ाई होने लगी। जिसके पास था उसी का राज चल रहा था, जिसके पास नहीं था वो मिट गया। उसके बाद और विकास होता गया। जिस तरीके से अंग्रेज़ों के पास टेक्निक अच्छी आई तो उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, और हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी वो पीछे रह गई। तो उनके पास आर्थिक संपन्नता थी और उनके पास टेक्निक्स थी। तकनीक विज्ञापन वैज्ञानिक जो है विकास था उनके पास, और टेक्निक्स थी, इसलिए उन्होंने राज किया। तो उनका इतिहास है उस हिसाब से। तीसरा देखिए, तीसरा प्रस्ताव, समाज के वर्गों में पारस्परिक प्रतिरोध होता है। तो जो वर्ग बन जाते हैं उनमें आपस में प्रतिरोध ही होगा, जरूर ही होगा, तभी वर्ग संघर्ष
होगा। तो इस प्रकार जो मार्क्स का वर्ग का सिद्धांत केवल सामाजिक संरचना का सिद्धांत नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है ना। तो उन्होंने कहा आर्थिक आधार पर सामाजिक संरचना, गरीब अमीर है ना, शासक शोषित, पूंजीपति सर्वहारा, जो इस तरीके की सामाजिक संरचना बनी, तो वो केवल सामाजिक संरचना का सिद्धांत नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है। जो सामाजिक संरचना बनेगी उसके बाद क्रांति होगी और समाज में परिवर्तन होगा, समाज में जरूरी है आमूलचूल परिवर्तन होगा। जो सर्वहारा वर्ग है वो क्रांति करेगा और सामाजिक पर वो समाज में परिवर्तन होगा, तो ये सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है। अब देखते हैं इनके वर्ग संघर्ष के लिए और क्या क्या जरूरी कारक हैं, फैक्टर्स हैं। तो पहला संपत्ति और वर्ग, तो इसमें देखिए वर्ग का संबंध किससे, संपत्ति से है या आर्थिक, वही संपत्ति से है। जिस समूह के पास उत्पादन के साधन है, व्यापार धंधा है, कल कारखाना है, वे पूंजीपति वर्ग में आते हैं। और दूसरे वे समूह हैं जिनके पास उत्पादन के साधन न्यूनतम हैं, जो अपने श्रम को बेचते हैं, वो सर्वहारा है ना। यानी कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, ये दो वर्ग बने संपत्ति के आधार पर। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक स्थान पर मार्क्स व एंजल्स ने लिखा है, तो इतने तरीके से समाज में ये वर्ग दिख सकते हैं, कौन, मालिक और गुलाम, कुलीन और सामान्य जन, भूस्वामी और खेतिहर, एक शब्द में हम कह सकते हैं अत्याचारी और उत्पीड़ित, बराबर एक दूसरे के प्रतिरोध में खड़े होते हैं और ये दोनों कभी छिपकर या कभी खुलकर अपनी लड़ाई करते हैं। यही है वर्ग संघर्ष का एक समरी। ये इस तरीके से वर्ग कहीं न कहीं बनते रहेंगे, जहाँ पे जैसी व्यवस्था है, कहीं पे मालिक गुलाम का है, कहीं कुलीन सामान्य जन, कहीं जमींदार खेतिहर या भूस्वामी खेतिहर, मतलब एक तरीके से एक अत्याचारी है और एक उत्पीड़ित है, एक शासक है एक शोषित है। तो इस तरीके से बनेंगे संपत्ति और वर्ग के आधार पे, इस तरीके से ये डिवाइडेशन होता है। फिर अभी तो इस तरीके से वर्ग बने, वर्ग बने तो हैं लेकिन लोग आपस में ज्वाइंटेड नहीं हैं, अभी उस समस्या से पीड़ित हैं, वो इंडिविजुअली अकेले अकेले हैं। तो जब तक वो एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, एक दूसरे से पारस्परिकता नहीं होगी, तब तक वर्ग नहीं बनेगा। तो वर्ग निर्माण कैसे होगा, तो वर्ग निर्माण के लिए मार्क्स ने अपनी पुस्तक कैपिटल में वर्ग को इस तरह परिभाषित किया है, कैसे, जब लाखों परिवार ऐसी आर्थिक दशा में जीवन यापन करते हों जो उन्हें उनके जीवन पद्धति, उनके हेतुओं यानी उनके मतलब अभी जो भी हैं, और उनकी संस्कृति से अन्य वर्गों से विमुख कर देती हो। क्या है उनके जीवन पद्धति, उनके जो मतलब हैं, उनके हेतु, उनकी संस्कृति अन्य वर्गों से विमुख कर देती है और उन्हें शत्रुतापूर्ण विरोधी खेमे में खड़ा कर देती है, तो एक वर्ग कहलाती है, वो कहलाता है एक वर्ग। तो ये इस तरीके से होता है वर्ग का निर्माण। वर्ग के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता क्या है, वर्ग निर्माण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता क्या, वर्ग चेतना और वर्ग संगठन, वर्ग चेतना और वर्ग संगठन। उनकी एक पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक है, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में मार्क्स एंजल्स ने वर्ग संबंधी दो अवधारणाएं, क्या, क्लास इन इट्सेल्फ और क्लास फॉर इट्सेल्फ, क्लास इन इट्सेल्फ और क्लास फॉर इट्सेल्फ, इन दो वर्ड्स को समझ लीजिए ध्यान से, दो अवधारणाएं दी हैं। क्लास इन इट्सेल्फ मतलब अपने आप में वर्ग, इसी को कहते हैं वर्ग चेतना, और दूसरे को कहते हैं क्लास फॉर इट्सेल्फ को वर्ग संगठन। तो वर्ग चेतना क्या है, वही वर्ग चेतना यह है कि मतलब कहीं पर कोई फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं तो सारे मजदूर शोषित हैं, सब पीड़ित हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वर्ग में चेतना कहाँ आई, वो है तो वो एक वर्ग में, शोषित वर्ग में है लेकिन उनके अंदर चेतना नहीं है। कब चेतना आएगी, जब वो एक दूसरे से मिले,
एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों, तो उनके अंदर एक वर्ग चेतना आएगी। तो इसको कहते हैं क्लास इन इट्सेल्फ, है ना। ये एक वर्ग यहाँ पे बन गया। और क्लास फॉर इट्सेल्फ यानी वर्ग संगठन किसको कहते हैं हम, वर्ग संगठन तब कहेंगे जब इसी तरीके का एक फैक्ट्री में ये इस तरीके का एक शोषित वर्ग बन गया, ऐसे ही किसी और फैक्ट्री में, किसी और काम में या कहीं भी जो इस तरीके के मजदूर होंगे वो इस तरीके का एक वर्ग बना रहे होंगे जो शोषित होंगे। तो वो और ये दोनों मिलके आपस में एक दूसरे से पारस्परिकता निभाएं, है ना। यानी कि वो जो मजदूरी का काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से संगठित हों, तभी बनेगा वर्ग संगठन या क्लास फॉर इट्सेल्फ। तो क्लास फॉर इट्सेल्फ के लिए एक मुहावरा भी फेमस है, दुनिया भर के मजदूर भाई भाई, इसे कहते हैं क्लास फॉर इट्सेल्फ। तो ये दो अवधारणाएं थी वर्ग निर्माण के लिए। अब देखिए वर्ग चेतना आया, वर्ग चेतना में क्या करना है, क्लास कॉन्शियसनेस वर्ग चेतना। मार्क्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि व्यक्ति की सामाजिक चेतना उस वर्ग में पैदा होती है जिसका वह सदस्य है, ठीक। जहाँ वो पैदा होगा, जिसका सदस्य, उसी हिसाब से उसकी चेतना होगी। आदमी की चेतना उसकी भौतिक वस्तुओं यानी कि उत्पादन पद्धतियों, उत्पादन शक्तियों के संबंधों के अनुसार होती हैं। मतलब उनके यहाँ वहाँ पर प्रोडक्शन की क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, आपस में क्या प्रोडक्शन के रिलेशन हैं, उनके अनुसार उनकी वर्ग चेतना होगी, है ना। ये मार्क्स का कहना है। और हीगल चेतना का आधार किसको मानते हैं, आइडियाज को, वैचारिकी को। हीगल किसको मानते हैं, क्यों, जो समाज में चेतना आएगी वो उनके विचारों के अनुसार आएगी। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि जिस तरीके का आर्थिक विकास समाज में होगा उसी तरीके का समाज विकास विकसित होगा, उसी तरीके फिर विचार आएंगे उनमें। और मार्क्स चेतना का आधार उत्पादन शक्तियों से जोड़ते हैं, यह है इनका। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्गों में अपने आप वर्ग के अनुसार वर्ग चेतना होती है, यह वर्ग चेतना ही लोगों को एक सूत्र में बांधती है। तो बुर्जुआइज एंड प्रोलिटेरिएट, बुर्जुआइज मतलब बुर्जुआ वर्ग और प्रोलिटेरिएट मतलब सर्वहारा वर्ग। तो बुर्जुआ या बुर्जुआइज मतलब पूंजीपति लोग, और सर्वहारा प्रोलिटेरिएट मतलब जो अपने श्रम को बेच रहे हैं, वहाँ उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया वर्ग चेतना, इस तरीके से आएगी, जिस समाज में है उसी हिसाब की चेतना होगी। फिर अब लास्ट में इन सब, ये बन गया एक तरीके से सब कुछ बन गया, अब होगा वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष कैसे होगा, वर्गों की उत्पत्ति हो गई, वर्ग में चेतना आ गई, वर्ग निर्माण हो गया, वर्ग संगठन हो गया, तो अब संघर्ष तो होना ही है जो कि अपरिहार्य। तो वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही वर्ग संघर्ष भी शुरू हो गया। वर्ग संघर्ष का स्रोत क्या है, स्रोत वर्ग हितों का प्रतिरोध, यानी कि आपस में जो वर्ग हैं, यानी कि जैसे शासक वर्ग, शोषित वर्ग, उनके जो आपस में हित हैं या लाभ हैं उनमें आपस में विरोधाभास है, इसके कारण वो होगा संघर्ष। जो एक वर्ग का हेतु है वह दूसरे का प्रतिरोध है। अब जैसे पूंजीपति है, उसकी फैक्ट्री है, तो वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, कम से कम मजदूरी देना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो श्रम करवाना चाहता है। वो दूसरी तरफ जो शोषित वर्ग है या मजदूर या सर्वहारा वर्ग है, वो चाहता है अधिक से अधिक दिहाड़ी, कम से कम श्रम, अच्छी व्यवस्थाएं। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो वहाँ पे संघर्ष होगा ही। समाज में मजदूर व पूंजीपति के हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बुर्जुआ वर्ग शोषण बढ़ाने, पूंजीवादी प्रणाली को बनाए रखने, अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को सुदृढ़ करने में दिलचस्पी रखता है, और दूसरी ओर मजदूर वर्ग शोषण का उन्मूलन करने, निजी स्वामित्व और उस पर आधारित सामाजिक उत्पीड़न का खात्मा करने तथा शोषक राज्य को नष्ट करने में दिलचस्पी रखता है। तो ये है। तो उसके आगे और क्या है, मार्क्स और एंजेल्स ने सिद्ध किया है कि वर्ग संघर्ष वैर भावपूर्ण संरचनाओं में
सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है। तो मार्क्स एंजेल्स एक तरफ ये भी कह रहे हैं जो संघर्ष है वो समाज में विकास का भी प्रेरणा स्रोत है। मान लीजिए कोई दो वर्ग या समाज दो अलग अलग टाइप के हैं और उन समाज एक समाज के अंदर आपस में लोगों में फूट है, लेकिन वही दूसरा समाज के लोग आ जाते हैं और उस समाज पे आक्रमण करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस समय हम आपसी वैर भाव भुलाकर आपस में एकता में बन जाते हैं। तो वही यहाँ पे वर्ग संघर्ष वैर भावपूर्ण संरचनाओं में सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है। अगर हम एक हो जाएंगे तो मिलकर कुछ भी काम कर लेंगे। फिर क्या है, वो किसको लीड करेगा, सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति बन जाएगा और वर्ग संघर्ष समाज को सामाजिक क्रांति की ओर ले जाता है। जब पूरा समाज एकजुट हो जाएगा, अगर फुटकर फुटकर रहेंगे, है ना, जैसे नहीं होता है कहानी थी छोटे पर कि एक एक करके लकड़ी आप तोड़ सकते हैं, लकड़ी के पूरा गट्ठा एक साथ हो जाएगा तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो वही यहाँ होगा, समाज एकजुट हो जाएगा तो वो किसी भी काम को कर लेगा, तो वो क्रांति की ओर ले जाएगा और सत्ता क्रांतिकारी वर्ग के हाथ में आ जाएगी। तो जो क्रांतिकारी वर्ग कौन है, पूंजीपति तो क्रांति करेगा नहीं, उसको तो फायदा हो रहा है आराम से, करेगा कौन, सर्वहारा या शोषित वर्ग जो परेशान है पीड़ित है, तो वही क्रांतिकारी वर्ग है। और फिर अगर वो क्रांति कर देगा तो क्रांतिकारी वर्ग के हाथ में आ जाएगी सत्ता, यानी पूरे समाज की शासन की बागडोर। फिर वो क्या करेगा, अभी तो पीड़ित था, अब वो सब चीज़ों को व्यवस्थाओं को बदलना चाहेगा, सामाजिक संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। वो आमूलचूल परिवर्तन कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगा। जब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी तो सब कुछ वो एक आदर्श समाज जो वर्ग एवं राज्य विहीन है, वर्ग और राज्य विहीन समाज की स्थापना कर देगा, यूटोपियन स्टेट। तो ऐसा अभी तो हो नहीं पाया है, मार्क्स की ये वर्ग एवं राज्य विहीन जो संरचना समाज में होनी चाहिए वो उसके अभी तक कहीं पर कोई दर्शन नहीं हो रहे हैं। और तो चीज़ें उनकी सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मार्क्स का पूरा वर्ग संघर्ष, और इसी के साथ में कुछ और भी वर्ड्स आए हैं इनके में, इसी वर्ग संघर्ष में आप उनको भी लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे मार्क्सवाद के मूल्य के श्रम सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य और अलगाव, ये वर्ड भी आप इसी में साथ में लिख सकते हैं, बीच बीच में समझा सकते हैं। मार्क्सवाद के मूल्य के सिद्धांत यानी कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वो क्या थी, तो उसमें क्या है कि एक श्रमिक मान लीजिए 6 घंटा श्रम करता है किसी उत्पाद को बनाने में, तो उस उत्पाद की कीमत वो 6 घंटे के हिसाब से होनी चाहिए। मान लीजिए 6 घंटे के हिसाब से कुछ भी बना, वो 300 रुपये का पड़ा, लेकिन मालिक उसको 600 का बेच रहा है, तो वो 300 का तो फ़ायदा ले ही रहा है। इस तरीके से मालिक और अमीर होता जाएगा और जो लेबर है उसका तो श्रम के बराबर पैसा मिल रहा है, उसकी तो रोजी रोटी ही चलेगी। तो इसी को कहते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, है ना, मार्क्सवाद के मूल्य के श्रम सिद्धांत, मूल श्रम के हिसाब से क्या मूल्य था, है ना, तो उसको कहते हैं श्रम इतना किया, 4 घंटे 6 घंटे जो श्रम किया उसके हिसाब से मूल्य जो होना चाहिए प्रोडक्ट का, तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है। लेकिन जब उसी पे वो 300 का मतलब बना एक तरीके से, उसको अगर रुपए में कन्वर्ट करें उसके 4 घंटे 6 घंटे को, अगर वो बेच रहा 600 रुपये का, तो जो ये अतिरिक्त वो प्रॉफिट ले रहा है उसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य। ये हो गया। और एक जगह पे है मार्क्स में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया भी है ये, तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया तो जैसे जान ही रहे आप, दो वर्ग बन जाते हैं अपोजिट तो उनमें आपस में द्वंद्व तो होगा ही, यही है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। और एक शब्द आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो जैसे अभी इसमें बताया है कि जैसे आर्थिक विकास होगा, जिन जिन राज्य का जिन समाज का आर्थिक शक्तियों पे अधिकार होगा, है ना, तो उन्हीं का जो आर्थिक शक्तियाँ होंगी जिनके अंडर में इकोनॉमिक पावर्स, है ना, उन्हीं का राज्य होगा, उन्हीं का स्टेट होगा, उन्हीं का राज्य चलेगा। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब जो आर्थिक स्रोत पे जिनका अधिकार होगा उन्हीं का राज्य होगा, तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था। अलगाव में क्या है, अलगाव में ये था
कि एक मजदूर काम करता रहता है फैक्ट्री में, और उसको अपने एक तरीके से कभी कभी उसको लगता है कि अरे वो रोज़ मशीन की तरह काम कर रहे हैं, उसका समाज में यहाँ वहाँ उठना बैठना सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को एकदम समाज से विमुख महसूस करता है, लगता है कि जैसे एक मशीन है। और प्लस वो जो चीज़ बना रहा है उसमें उसमें से कोई प्रोडक्ट बनाने में एक पार्ट बना रहा, पूरा प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा, उसको पूरे प्रोडक्ट से अपने लगाव भी नहीं है जो बना रहा है। और धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि हम एक मशीन हो गए, और उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट से ना कारखाने से। इस तरीके से उसके अंदर एक भावना आने लगती है, वो अपने को एकदम अलग थलग महसूस करता है। इसी को कहते हैं एलिनेशन या अलगाव। तो फ्रेंड्स, आप इस कार्ल मार्क्स के वर्क संघर्ष को इस तरीके से बहुत अच्छा प्रश्न बना के लिख सकते हैं, सबको कंपाइल करके, और जितने मार्क्स का हो उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।